आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, करंट वीक जो रहा वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा यूएस, रशिया, यूक्रेन और ग्लोबल मार्केट, सभी चीज में हमने देखा कि जो ये युद्ध चल रहा है उससे इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसका इंपैक्ट करेंसी मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया, कमोडिटी मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। पिछले हफ्ते में हमने काफी ऐसी न्यूज देखी जिसके चलते एक रिलीफ भी आता हुआ दिखाई दिया तो एक मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया। मेजरली अभी भी अगर हम बात करें तो युद्ध अभी भी चालू है, डिस्पाइट कि हमने कल के सेशन में ये अपडेट्स भी आते हुए देखे कि डिप्लोमेटिक टॉक के ऊपर हमें जाना चाहिए, लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी। बट अनलेस एंड अंटिल कुछ युद्ध विराम नहीं लगता है तो आई थिंक थिंग्स वुड बी पॉजिटिव फॉर कमोडिटी मार्केट। इसी के तहत हमने गोल्ड और सिल्वर की अगर पहले बात करें तो मोमेंटम तो काफी हाई बना हुआ था, बट जिसके बाद भी अगर वीकली बेस पे बात करें तो गोल्ड 0.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी 3.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल हमें लगता है कि बुलियन का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव रहेगा। नो डाउट कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने हुए हैं अभी भी कि इकोनॉमी के अंदर रिसेशन हिट हो सकता है, जिसके चलते हमें लगता है कि इंटरनेशनल में गोल्ड जो $2,000 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं 2056-2080 का लेवल अगले हफ्ते तक दिखा दे, जब तक युद्ध विराम नहीं होता है। क्योंकि युद्ध विराम होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से सोने और चांदी में तेजी का ही रुख रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी सोने में हमें लगता है कि वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। ड्रॉप अगर आता भी है 50-500 तक का तो वहां पे लेके चलना चाहिए, 55,000 तक के भी टारगेट देखने मिल जाएंगे। चांदी में भी वॉलिटिलिटी है बट सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज लग रही है। वहीं एनर्जी पैक की अगर बात की जाए तो क्रूड के अंदर इंटरनेशनल में हम $112 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, नेचुरल गैस में भी $4.76 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर हमने 3% की मोटा मोटी गिरावट आती हुई देखी है, वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी 4% की गिरावट आती हुई देखी है। गिरावट का कारण यह भी था कि ऑलरेडी मार्केट स्पाइक कर गया था पिछले हफ्ते $138 के करीब, उसके मुकाबले हम गिरावट देख रहे हैं, जबकि अभी भी सप्लाई शॉर्ट के चलते प्राइजेस में तेजी का ही रुख रहेगा। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बनी हुई है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स, UBS इनके जो अपडेट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट दे भी रहे हैं कि $135 से $150 का लेवल हम क्रूड में वापस आते हुए देख पाएंगे, क्योंकि 10.2 मिलियन बैरल का जो शॉर्टेजेस है ये काफी बड़ा शॉर्टेजेस है, जिसको वेनेजुएला, ईरान, इराक और US बढ़कर भी नहीं इसको अपडेट कर पाएंगे। तो आई थिंक क्रूड में वॉलिटिलिटी जरूर बनी है, बट हम 10,000 तक का लेवल MCX पर देख सकते हैं। फिर से हो सकता है डाउन साइड के अंदर 7,500-7,800 तक का पुल बैक दिखा दे, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। नेचुरल गैस में विंटर डिमांड तो खत्म हो चुकी है बट सप्लाई डिस्टर्बेंस अभी बनी हुई है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। वहीं पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करें तो कॉपर में हमने नो डाउट वीक ऑन वीक में गिरावट जरूर देखी है करीबन 3% का, जिंक के अंदर भी 4% की गिरावट है, एल्यूमिनियम में 8% की गिरावट है, निकल 25% की तेजी के साथ दिखा रहा है, लेवल दिखा रहा है। वहीं लेड काफी हमने सुस्त ट्रेड होते हुए देखा है एज कम्पेयर टू बाकी बेस मेटल। बट आप एक चीज समझिए कि डिमांड नहीं निकल पा रही है, बट डिमांड नहीं निकल रही इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइजेस में जंप नहीं आएगा। देखिए, अभी करंटली जो प्राइजेस में जंप आ रहा है ये सप्लाई शॉर्ट की वजह से आ रहा है। आप इन्वेंट्री देखिए, काफी मल्टी ईयर लो पे चली गई है, आउटपुट में कटौती है। ऑलरेडी हमने एल्यूमिनियम में और निकल में देखा था कि सप्लाई डिस्टर्बेंस के चलते आउटपुट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंसर्न्स है उसको देखते हुए हमने काफी बड़ी तेजी इनमें पहले से ही देख चुके हैं। तो आई थिंक जो भी तेजी बनेगी वो और बन सकती है, वो सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से बन सकती है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। खास करके हम कॉपर की बात करें तो 800 के करीब मिले लेके चलिए, 824 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो 850 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम के अंदर भी 300 तक के लेवल आ सकता है। निकल में थोड़ा अवॉइड कीजिए बाइंग करना, बाकी जिंक भी काफी अच्छा लगता है, जो 225 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं। लेड में भी करीबन 190 के ऊपर जाता है प्राइजेस तो ज्यादा बड़ी तेजी देख पाएंगे। तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति आप बेस मेटल में बना के चलिए, बट वॉलिटिलिटी अगला हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंटली मूव करेगा। लड़ाई पे ध्यान रखिए, लड़ाई का थोड़ा बहुत सेंटीमेंट डाउन दिखेगा बट ओवरऑल ध्यान
तेजी का है। धन्यवाद। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।